सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों। एक बार बिल पर नजर मारते हैं, जो सबसे महंगी चीज़ हमने खरीदी थी वो थी चिली परोंठा 130 रुपये का। आपका जो इडियप्पम था 65, मसाला डोसा जस्ट 85, और जो रवा केसरी 65, बटर मिल्क 30, एंड साउथ इंडियन कॉफ़ी 25, इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस एंड एवरीथिंग। ये सब कुछ सिर्फ 400 रुपये में। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको समझ ही नहीं आएगा है क्या, ये है परांठा, साउथ इंडियन परांठा। ये चिली परांठा जो सिर्फ ट्यूजडे को मिलता है यहाँ पे, एंड जैसी फ्राइड इडली बनती है वैसे हमने चिली परांठा बना रखा है मसाले के अंदर। आपने कभी इस टाइप का परांठा खा रखा है? आके देखते हैं। है कोई खबर रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई। काफी अच्छा डेट है इसका। इसमें ना वेज कोरमा जो होता है ना, वेजिटेबल कोरमा, उसमें इनको मैश करके टोमेटो पेस्ट के साथ चिलीज़ है काफ़ी, इसमें मज़ा आ गया। मैंने कभी ये खाया नहीं है कभी ऐसा पराठा, पर दिस इज़ वेरी गुड। जो उसका टेस्ट है अमेजिंग है, काफ़ी स्पाइसी है। वेजिटेबल कोरमे में मेरे से चिली मिला रखी है, टोमेटोज है। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ साउथ इंडियन फूड, बट टेस्टी है, काफ़ी डिलीशियस है, स्पाइसी है। ऑल द पंजेंट फ्लेवर ऑफ साउथ इंडियन फूड आ रहा है इसमें। आई थिंक आप भी यहाँ पे जब भी आओ तो ये ज़रूर ट्राई करो, एंड ट्यूजडे को आना। एंड जो हम जो डिश जो ट्राई करें नेक्स्ट वो है आपकी साउथ इंडियन नूडल्स टाइप। जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर। कैसा है ये सफर, तुम्हें साउथ इंडियन नूडल्स खा के देखो। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग इडियप्पम। अगर आप साउथ इंडिया से हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ इसकी हिस्ट्री क्या है। काफ़ी ओरिजिनेटेड डिश है, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता जिसमें नॉलेज है, लेकिन फ्लेवर भरपूर है। इनका जो कोर है काफ़ी स्पाइसी है, कोकोनट चटनी काफ़ी अमेजिंग है। हम लोग इसको फिनिश करते हैं। आई थिंक जो चीज़ दाल मखनी और शाही पनीर के साथ वैलिड है वही मसाला डोसा के साथ है। अगर साउथ इंडियन प्लेस आप आओ दिल्ली में और वहाँ का मसाला डोसा अच्छा ना हो तो इट्स नॉट वर्थ कमिंग, बिकॉज जो डिशेस हमने आपको इस वीडियो में दिखाई है, मे बी शायद काफ़ी लोग वीडियो देखने वाले एक्सपेरिमेंटल ना हो, वो शायद टेस्ट ना करें, तो उनके लिए डोसा यहाँ पर कैसे मिलता है, उनके लिए हम डोसा भी खा रहे हैं, विच इज़ द मोस्ट आइकॉनिक साउथ इंडियन डिशेज। डोसा इज नाइस, डिसेंट, काफ़ी जो थिन उसका बैटर है उसको बनाया गया, उससे जो स्पाइसेस आलू में वो सटल है, काफ़ी तेज टेस्ट मुझे किसी भी चीज़ का नहीं आ रहा, कुछ मोर लाइक के जैसे घर में डोसा बनाया हूँ। सांभर टेस्ट करके देखते हैं है ना, मुझे सांभर की कंसिस्टेंसी देख के लग ही रहा था कि ये बाजारू सांभर नहीं लग रहा, दिस इज़ लाइक अ होममेड सांभर। इसमें दाल का प्रोपोर्शन जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है, वेजिटेबल्स का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, तो दिस इज़ लाइक अ होमली, जैसे हमारे घर में सांभर बनता है ना गाढ़ा सा, बाहर खाते हो तो हल्का सा होता है, तो गाढ़ा टाइप सांभर है जिसमें दाल अच्छी खासी है, मतलब दिख रही है। तो हम लोग खा रहे हैं रवा केसरी, रवा केसरी सूजी का हलवा होता है,
इसमें ना छोटे इलायची का काफ़ी अच्छा फ्लेवर डालता है, थोड़ा केसर डालते हैं लेकिन थोड़ा कलर ज़्यादा डालते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि केसर के कलर इसमें, अगर ये राइट ब्रेड कलर है तो ये कलर उसमें थोड़ा मिला रखा है। केसर का जो कलर आता है रवा केसरी में वो आपका पेल येलो में आता है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर है इनका हलवे का। ड्राई फ्रूट्स भी डाल रखे हैं उन्होंने, अमेजिंग। आई थिंक रवा केसरी मस्ट हैव जब भी आप साउथ इंडियन फूड खा रहे हो, साथ में फिल्टर कॉफ़ी। ज़्यादा चीनी नहीं है, फ्यू वॉन्ट यू कैन ऐड चीनी, या तो फिर वही बात है कि ज़्यादा मीठा खा रही है तो चीनी फील नहीं हो रही। तो आज हमने आपको दिखाया प्योर वेजिटेरियन स्पेस, हेल्दी ऑप्शन। साउथ इंडियन फूड इज़ वेरी हेल्दी। एंड हम लोग यहाँ पे आए ब्रह्मपुत्र मार्केट में, बाहर काफ़ी सारी स्ट्रीट ऑप्शन भी खाने के लिए नॉनवेज की। अगर आप बैठ के तसली से खाना चाहो तो यू कैन कम टू दिस प्लेस ऑल्सो, यहाँ पे आप अपना खाना तसली से बैठ के खा सकते हो। एंड दिस इज़ लाइक नंबर वन प्लेस इन नोएडा टू हैव डोसा एंड साउथ इंडियन फूड। यहाँ पे जो वैरायटी और वेरिएशन मिलता है वो कहीं नहीं मिलता नोएडा में। दिस इज़ योर होस्ट निखिल चावला, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर। सफर।